साबरमती एक्सप्रेस हादसे से जुड़ी बड़ी खबर है। एटीएस की 3 सदस्यीय टीम जांच में जुट गई है। 100 से ज्यादा लोगों से एटीएस की पूछताछ, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, स्थानीय पुलिस ने सीसीटीवी कब्जे में लिया है। घटनास्थल से सबूत जुटाए गए। बोल्डर से टक्कर के बाद डीरेल हो गई थी ट्रेन। 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई है। अमित गंजू फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, लगातार जांच हो रही है और एक के बाद एक कई फैक्ट्स अब निकलकर सामने आ रहे हैं, अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है? देखिए शीनल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस घटना को 48 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। उसी स्पीड से जैसे रेलवे की टीम काम कर रही है, आरपीएफ कर रही है, एटीएस कर रही है और पुलिस कर रही है। अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस ने एसआईटी का गठन किया। डिप्टी डीसीपी वेस्ट के ने एक निर्देश दिया कि एसआईटी का गठन हो, उसमें 15 सदस्यीय टीम जिसमें एक इंस्पेक्टर अलग से इंक्लूड है। इसके बाद अगर एटीएस की बात करें, एटीएस की 3 सदस्यीय टीम ने जहां एक और 125 से ज्यादा लोगों से जानकारी ली, जिसमें स्पॉट बॉय थे, जिसमें खलासी थे, लाइन्स बॉय थे, सिग्नल मैन थे, वहां के आसपास के लोग, यानी 125 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की और डिटेल इकट्ठा की। इन सबके बीच पंकी थाने की पुलिस से सीसीटीवी फुटेज भी अपने कब्जे में लिया है। यानी एटीएस की जांच का दायरा बढ़ रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि 1 से 2 दिन में कुछ चीजें सामने उभर के आएंगी। जो साक्ष्य इन्होंने जुटाए, जो हमारे सोर्सेज बताए, कुछ साक्ष्य जुटाए कि जिस घटना की बात की जा रही है उसके कुछ पिनर्स भी मिले हैं, कुछ चीजें मिली हैं, कुछ सुराग पिनर्स, उन्होंने इसकी वीडियो फोटोग्राफी भी कराई है। अब जब ये रिपोर्ट अपनी सबमिट करेंगे तब जाके पता चलेगा फैक्ट्स क्या। मगर इन सबके बीच एटीएस की टीम ने अपना पूरा कानपुर में 3 दिन से डेरा डाला हुआ है और एटीएस की टीम पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके जांच कर रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से आपने जानकारी दी। कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन हादसे की जांच के लिए कानपुर पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है। 16 सदस्यों की एसआईटी टीम बनाई गई है। आपको बता दें, आईबी भी ट्रेन हादसे की जांच कर रही है। बोल्डर से टक्कर के बाद पटरी से 20 बोगियां उतरी थी। उन्नाव में शराब के नशे में एक शख्स ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। नशेड़ी पानी की टंकी के ऊपर चढ़कर कूदने की धमकी देने लगा। इस दौरान मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। ये देखकर लोग हक्के बक्के रह गए। नतीजा ये हुआ कि शराबी को नीचे उतारने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस ने काफी देर तक समझाने के बाद नशेड़ी को पानी की टंकी से नीचे उतारा। मामला उन्नाव जंक्शन का है। बुलंदशहर में बस और पिकअप में टक्कर मारने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। वहीं 26 लोग घायल हुए हैं। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। सीएम योगी ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की मदद की जाएगी। प्रभारी मंत्री अरुण सक्सेना घायलों का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे। खबर गोरखपुर से है, जहां पर गोरखपुर एनकाउंटर में बदमाश गौरजीत चौहान को गोली लगी है। पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को मौके से पिस्टल और कारतूस बरामद हुआ। बदमाश का एक साथी भागने में कामयाब हो गया। बदमाश गौरजीत चोरी की वारदात को अंजाम दिया करता था। बदमाश गौरजीत पर 20 मुकदमे दर्ज है। गोरखपुर के गुलरिहा इलाके में मुठभेड़ हुई है। गाजीपुर में पुलिस का गौ तस्करों से एनकाउंटर हुआ। गोली लगने से एक गौ तस्कर घायल हो गया। पुलिस ने 4 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। एनकाउंटर शाहियाबाद थाना क्षेत्र के मोहब्बतपुर गांव में हुआ। बदमाशों ने तमंचा, कारतूस और गौमांस बरामद किया गया। पुलिस ने 4 गौ तस्करों को पकड़ा है। पुलिस की टीम उन्हें लेकर जब गौमांस बरामद करने पहुंची तो एक बदमाश ने भागने की कोशिश की, इसी दौरान एनकाउंटर हुआ। द्वारा अचानक पुलिस पार्टी को धक्का दे करके भागा और भागकर खरर में छुपे असलेह लेकर और उससे फायर किया गया। पुलिस द्वारा संतुलित रूप से जवाबी कार्रवाई करते हुए बदमाश पर फायर किया गया, जिससे छन्नू कुरैशी सनाब दायल कुरैशी के बाएं पैर में गोली लगी और उसे उपचार हेतु मनिहारी सीएचसी भेजा गया।
झांसी में पुलिस का एनकाउंटर हुआ है। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ जबकि दो बदमाश मौके से फरार हो गए। एनकाउंटर रक्सा थाना क्षेत्र के बाजना की पुलिया के पास हुआ। घायल बदमाश को पुलिस ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। घायल बदमाश मध्य प्रदेश के दतिया का रहने वाला है। बदमाश डाबरा में ज्वेलर से 50 लाख की लूट की योजना बना रहे थे। घायल को हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है। बाकी जो दो बदमाश भागे हुए हैं इनकी तलाश की जा रही है, यथाशीघ्र उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। इस पूरे घटना में FIR पंजीकृत करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की गाड़ी पे और पुलिस के जवानों पे फायर किया है, कोई इंजरी है क्या? हाँ बिल्कुल, जैसा हमने बताया कि जान मारने की नीयत से पुलिस टीम पर इनके द्वारा फायर किया गया, जिसमें पुलिस की गाड़ी पर भी फायर लगा हुआ, जिसमें गाड़ी का शीशा टूटा हुआ है। प्रयागराज में बंदूक के बल पर महिला और उसके बच्चे को अगवा करने के सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक अगवा करने वाले महिला के परिवार के ही लोग थे। अगवा महिला के भाई ने उसके पति, ननद, ससुर, जेठ समेत परिवार के अन्य लोगों पर अगवा करने का केस दर्ज करवाया था। अपहरण करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें कई लोग हथियार के साथ महिला को रोड पर घसीटते दिखे थे। मामला इंडिया थाना इलाके का है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर कानपुर से है। कानपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बैराज पर भी सभी चैनल खोल दिए गए हैं, साथ ही नरौना बांध से भी लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। बारिश का भी असर गंगा के जलस्तर पर देखने को मिल रहा है। गंगा बैराज समेत सभी घाटों पर पुलिस की नजर है। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। गंगा का जलस्तर दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और ऐसे में नरौना बांध से 1,60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है और गंगा के अगर लेवल की बात की जाए तो देखिए इस टाइम बैराज में मौजूद है 113.25 सेंटीमीटर तक ये पानी पहुंच चुका है और ये चेतावनी बिंदु को पार कर चुका है। सारे गेट्स खोल दिए गए, ठीक पीछे आप देखिए सारे फाटक इसके खोल दिए गए, जितने भी 200 गेट्स हैं एक से लेके 20 तक, यानी एक सेक्शन से लेके 20 तक खोले जा चुके हैं। और ऐसे में देखिए गंगा के लेवल की अगर बात करनी, देखिए मैं पाँव को अपने धीरे धीरे करके नीचे ले जा रहा हूँ। देखिए पहले 2 फुट और इसके बाद ये देखिए ये 3 फुट तक पानी नीचे जा रहा है। मैं अपने पाँव को अपने कैमरामैन आशीष से कहूँगा इसको देखिए दिखाने का प्रयास करें, ये 3 फुट तक पानी पूरा चला गया और ऐसे में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये बैरियर लगा के रखा गया है ताकि इसके आगे जाना अलाउड नहीं है। लेकिन ऐसे में गंगा का बहाव तेज़ है और 2 दर्जन से ज़्यादा गाँव के छोर तक ये पानी पहुँच चुका है और पानी की देखिए डेप्थ में एक बार फिर दिखाना चाहूँगा, देखिए घुटने का पूरे मेरे इसमें, और जैसे मैं इससे और नीचे जाऊंगा मान के चलिए कि 4 फुट तक पानी पहुंच चुका है। और ऐसे में अधिकारी अब पैनी नज़र बनाए, वीडियो फोटोग्राफी कराई जा रही है। बाढ़ चौकी के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि ग्रामीणों से संपर्क स्थापित करें और लोगों को अलर्ट मोड पर रखें, यानी आने वाले 48 घंटे तक और पानी का बहाव बढ़ेगा और ये खेतों से होते हुए गाँव तक पहुँच जाएगा। विजय आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, News 18 कानपुर। सीबीआई दिल्ली की टीम ने सोनभद्र में नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड यानी कि NCL के सिंगरौली मुख्यालय पर छापेमारी की है। सीबीआई की टीम ने CMD के निजी सचिव, सुरक्षा अधिकारी और एक ठेकेदार के घर पर छापा मारा है, जिसमें लगभग 5 करोड़ से अधिक नकदी, सोने चांदी के आभूषण सहित अन्य कीमती सामान बरामद हुआ। सीबीआई की टीम ने ठेकेदार, उसके पत्नी, निजी सचिव समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर मध्य प्रदेश के बैढ़ल लेकर गई। पकड़े गए आरोपियों में सीबीआई जबलपुर का डिप्टी SP भी शामिल है।